नमस्ते, स्वागत है आपका स्टडी लैब्स पे। आज हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं बायंसी और डेंसिटी पे, और इसके लिए हम यूज करने वाले हैं एल्युमिनियम फॉइल। एक बहुत ही कॉमन सब्सटेंस है जो आराम से आजकल तो मिल जाता है, पैकिंग वगैरह में भी काफी सारा इस्तेमाल होता है, तो अगर आप नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो वहां से भी मिल जाएगा। हमने क्या किया है, इसके कुछ ऐसे छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं, और जो हमारा पहला सवाल है इसमें, बच्चों से जब हम क्लासरूम में इसको करेंगे, पहला सवाल है कि इन दोनों को हम डिप कर रहे हैं इसके अंदर। एक को हमने ऐसे क्रम्पल कर लिया है, ये वाला ले लेते हैं, इसको हमने थोड़ा सा कैसे कर दिया है, मोड़ तोड़ दिया है, ठीक है, क्रम्पल कर दिया है इस तरीके से, और एक शीट हमने ऐसे नॉर्मल रखी हुई है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। इन दोनों को ही जब हम पानी में लेकर के जाते हैं धीमे धीमे से, देखेंगे कि मैं इसको पानी में लेके चला गया हूं। अब सबसे पहला सवाल यही है कि जब इन दोनों को छोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होने वाला है। ठीक, तो हम इनको छोड़ के देख लेते हैं कि अगर हम इन दोनों अल्युमिनियम फॉइल के पीसेस को छोड़ने वाले हैं तो क्या होगा। तो आपको दिख रहा है कि जो पूरी पूरी खुली हुई शीट थी वो नीचे डूब गई है, और जिसको हमने ऐसे क्रम्पल कर दिया था वो ऊपर तैर रहा है। बहुत सिंपल सा है, क्योंकि वो एल्युमिनियम जो है पानी से हैवी है, उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है, हाई है, तो इसका मतलब है कि वो नीचे डूब गया। ठीक है, वो वाली शीट नीचे डूब गई क्योंकि वो पानी का घनत्व कम है और एल्युमिनियम का घनत्व ज्यादा है, और ये वाली जो शीट है वो ऊपर तैर रही है। क्यों तैर रही है, इस पे बहुत सारे सवाल जवाब हो सकते हैं। आंसर इसका यही है कि क्योंकि इसमें हवा, हमने जब इसको मोड़ा तो इसके अंदर कुछ हवा ट्रैप हो गई, हवा इसके अंदर रह गई, और उस हवा की वजह से जो इसका घनत्व पूरे का आया एल्युमिनियम प्लस हवा, वो एल्युमिनियम के घनत्व से कम आया, और इस कारण से वो पानी के ऊपर तैर रही है। यानी कि इसका जो घनत्व है ये पानी के घनत्व से कम हो गया है हवा के कारण, और इस कारण से ये तैर रही है। फिर एक और अगला सवाल आता है कि अब अगर हम इस शीट को नीचे लेके जाएं इस तरीके से, और इसको हम पानी के अंदर क्रम्पल करें, इसको हम पानी के अंदर ऐसे हम इसका एक गोला बना लें, ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, है ना, क्या अब वापस से ये तैरेगा या डूबेगा। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रयोग बन जाता है बच्चों के लिए कि अब क्या होने वाला है, अब क्या तैरेगा, अब क्या डूबेगा। तो छोड़ के देख लेते हैं। तो आपने देखा कि जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये जो पानी जिसमें भरा हुआ है ये नीचे डूब जाता है, और ये जो हवा वाला है ये ऊपर तैर जाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष, जिसको हम कहते हैं कि एक तैरेगा एक डूबेगा, वो बड़े आसानी से इसके साथ हम समझा सकते हैं बच्चों को कि कैसे एक वस्तु के अंदर अगर दूसरी वस्तु जुड़ती है तो अगर घनत्व कम है तो पूरी वस्तु का घनत्व नीचे हो जाता है, अगर जो दूसरी वस्तु उसमें जुड़ी है उसका घनत्व ज्यादा है तो पूरी वस्तु का घनत्व ज्यादा हो जाता है, और फिर कैसे वो घनत्व के कम होने से बायंसी अपना काम दिखाती है, अपथ्रस्ट अपना काम दिखाता है कि डूबेगा या तैरेगा निर्धारित करता है। तो बड़ा मजेदार, बड़ा सिंपल प्रयोग, जरूर करिए बच्चों के साथ। धन्यवाद।